मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक शनिवार दोपहर हैदराबाद में होगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये रणनीति बनी है। पिछले महीनों ही खड़गे ने CWC यानी अपनी नई टीम का ऐलान किया। बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के चारों मुख्यमंत्री शामिल होंगे। CWC की बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव को लेकर बने इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चा होगी। महंगाई, बेरोजगारी से लेकर मणिपुर हिंसा और जम्मू कश्मीर के हालात जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा भी जाएगा। राज्य के KCR सरकार को भी भ्रष्टाचार के मोर्चे पर निशाना बनाया जा सकता है। अगले दिन रविवार को CWC की विस्तारित बैठक होगी, जिसमें देश भर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता आदि शामिल होंगे। इसके बाद शाम को हैदराबाद के पास एक बड़ी रैली होगी, जिसमें तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी बड़े वादे का ऐलान करेगी। 17 सितंबर को ही हैदराबाद मुक्ति दिवस पड़ता है। सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी का गारंटी कार्ड बांटेंगे और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हालांकि संसद के विशेष सत्र के कारण खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के सभी सांसद रविवार रात को ही दिल्ली लौटेंगे। तेलंगाना में कांग्रेस का मुकाबला BRS से है। तेलंगाना गठन के बाद से लगातार दो बार के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस को सत्ता विरोधी माहौल का फायदा मिलने की उम्मीद है, लेकिन बीते 5 साल में BJP भी राज्य में मजबूत बनी है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।